मास्टर कैम के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मास्टर कैम के अंदर किस तरीके से हमें किसी भी प्रकार की सॉलिड फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और देन इस सॉलिड फाइल को इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से हमें उसे सेटअप करना है एंड हम उसके बाद उसे इजीली टर्निंग कर सकते हैं। तो किसी भी टर्निंग ऑपरेशन को करने से पहले किस तरीके से फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं मास्टर कैम में, सो देखिए। सबसे पहले हमें क्लिक करना फाइल पर, देन हमें करना क्लिक ओपन। ओपन पर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है कंप्यूटर, जिसका अर्थ है कि आप फाइल ओपन करने वाले हैं कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर में कौन सा फोल्डर है हमारा, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल ये फाइल जो है मेरी अभी डेस्कटॉप पर है, मास्टर कैम लेथ इनेबल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है ऑल फाइल्स पर। जैसे ही आप ऑल फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होगी सारी की सारी ओपन हो जाती है। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है, ये सॉलिड वर्क की बनी हुई फाइल है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सॉलिड SLD पार्ट दिखा रहा है, जिसका अर्थ है कि ये सॉलिड वर्क की बनी फाइल है। देन क्लिक करना है आपको ओपन पे। जैसे ही हमने ओपन पर क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये पार्ट कुछ इस तरह से है। बट अब हम इस पार्ट को मशीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पार्ट को मशीनिंग करने के लिए हमें इस पार्ट को कुछ इस तरीके से रखना होगा। तो इस पार्ट को इस तरीके से रखने के लिए आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डायनामिक। डायनामिक पर क्लिक करने के बाद वो हमें सेलेक्ट कर लेना ऑब्जेक्टिव एंड एंड सेलेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इस पार्ट को रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड रोटेट कर लेंगे एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद हमें क्लिक करना है क्लियर कलर एंड इस ऑब्जेक्ट को कर लेना है फिट टू स्क्रीन। यदि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखूं तो अब इस ऑब्जेक्ट को मैं मशीनिंग कर सकता हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं मास्टर कैम में CNC लेथ पार्ट की मशीनिंग करने के बारे में, तो इसके लिए हमें हमारे पास होना चाहिए एक वायर फ्रेम का पाथ, जिसकी मदद से हमें वो सिलेक्शन करने में ईजी रहता है। तो इसके लिए हमें जाना है वायर फ्रेम, क्लिक करना है टर्न प्रोफाइल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंड सेलेक्शन एंड हमें क्लिक करना है ओके पर। तो जैसे ही मैंने ये प्रोसेस किया, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली जो है एक अलग ही पार्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्लिक कर लेना टॉप पर एंड अब होम में जा करके ब्लैंक एंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा जो है 2D वायर फ्रेम के अंदर पार्ट बन चुका है, जिसको सिलेक्शन करके हम इजीली मशीनिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद मास्टर कैम में हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है स्टॉक सेटअप। स्टॉक सेटअप करने के लिए हमें क्लिक करना मशीन पर और हमारी जो मशीन है लेथ, और यहाँ पर हम कर देते हैं सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट फाइल को सिलेक्शन करने के बाद अब हमारे पास इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, जिसमें हमें क्लिक करना प्रॉपर्टीज़ टूल सेटिंग। यहाँ पर प्रोग्राम नंबर दे देना हमें, असेंस टूल नंबर सिक्वेंस वार्म अप डुप्लीकेट टूल नंबर एंड वो हम आ जाता है स्टॉक सेटअप। अब यहाँ पर हम रॉ मटेरियल सेटअप कर लेते हैं हमारे पार्ट के लिए। इसके लिए हमें जाना है स्टॉक में, क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर क्लिक करना है मेक फ्रॉम टू पॉइंट्स। मेक फ्रॉम टू पॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले देना है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहना है, और लास्ट पॉइंट, जिसका अर्थ है कि आपका जो पार्ट है वो कितना बड़ा है, जिसका मैक्सिमम डायमीटर पे और मैक्सिमम लेंथ पर क्लिक करना है। इतना सा प्रोसेस ख़त्म होते ही आपका ऑटोमेटिकली पार्ट यहाँ पे स्टॉक सेटअप ले लेता है। अब यदि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन देना है तो इसके लिए क्लिक करना है यूज़ मार्जिन। डायमीटर में कितना मार्जिन देना है, सपोज मुझे डायमीटर में हमारा एक्स्ट्रा 2 mm, फेस में है 2 mm एंड सिमिलरली बैक साइड भी 2 mm है, तो हमें क्लिक कर देना ओके पर। अब स्टॉक सेटअप करने के बाद अब हमें लास्ट वन प्रोसेस है जो सेटअप। जो सेटअप पर क्लिक करना प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर हमें क्लिक कर देना मैक्सिमम फ्रॉम स्टॉक ग्रिप ऑन मैक्सिमम डायमीटर, और यहाँ पर हमें दे देना है कितने mm इसको वर्क पीस को पकड़ना है, सपोज 20 mm, और प्रीव्यू करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 20 mm थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसे ले लेते हैं 5 mm। तो हमारे सामने जैसा आप देख पा रहे हैं हमने स्टॉक सेटअप कर लिया है, टोटली फाइल इंपोर्ट कर चुके हैं,